आज हमारे सामने सेलिब्रिटी आ गई हैं। आपका नाम? सोनी रावत। शहर की लड़कियां प्रियंका देख ले तू भी। सो गाइस, कैसे हो सब लोग? अभी फिलहाल मैं आ रखा हूँ बारा उत्तराखंड, और मुझसे रहा नहीं गया तो मैं फिर से आया हूँ, और उनको मैंने सरप्राइज दिया है, और अभी इनको पता नहीं है कि मैं आया हूँ करके मम्मी पापा को। तो मैंने कहा था कि मैं कल पहुँचूँगा, तो आज मैं आ गया हूँ। और अभी फ़िलहाल मैं अल्मोड़ा पहुँच चुका हूँ, और मैं रास्ते वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि फॉग बहुत थी, और धीरे धीरे तो जो भी लोग उत्तराखंड आ रहे हैं काफ़ी स्लो आए क्योंकि, या फिर ना ही आए क्योंकि यहाँ पे बहुत फॉग है अभी। यहाँ से आप नोएडा से गेट लेके चलो तो आपका हल्द्वानी तक पूरा फॉग है। तो पहाड़ भी तो इतना फॉग नहीं है, बट यहाँ रात को फॉग होता है। अभी फ़िलहाल मैं जहाँ पर खड़ा हूँ काफ़ी अच्छा व्यू है, आप देख सकते हो, देखो। यहाँ पे काफ़ी अच्छा व्यू है, और मैं अभी यहाँ पे रुका हुआ हूँ, तो यहाँ से भी मैं जाऊँगा नीचे। तो फिलहाल अभी यहाँ से जो घर है हमारा वो है अराउंड 2 घंटे का रास्ता, मेरा अभी रास्ता है, तो मैं अराउंड 2:30 बजे के आसपास पहुँचूँगा। उनको ही पता नहीं है कि मैं आया हूँ, तो देखते हैं। सरप्राइज टफी भी वहाँ पर है, तो मिलते हैं। और गाड़ी में फुल सामान लोड है, कोई नहीं आया मेरे साथ। और सबसे बड़ा चैलेंज ये था मेरे साथ कि मैं अकेला भी आया हूँ, और फर्स्ट टाइम लाइफ में 30 साल के एक्सपीरियंस में ये पहली बार आया हूँ। आपको मैं चीज़ दिखा देता हूँ, सामान मैंने कितना लोड कर रखा है, जो कि सामान मंगाया था घर के लिए, तो वो सारा सामान है। तो आप देखो, अभी यहाँ पे सामान जैकेट वगैरह रखी है, पीछे पूरा सामान है, यहाँ पूरा सामान भरा हुआ है। तो बैठने की तो कहीं जगह नहीं है, तो रास्ते में एक बंदा मिला था, कहता सर मुझे बिठा दोगे? मैंने कहा यार जगह ही नहीं है, कहाँ कहाँ बैठेगा इसमें यार, छत में बैठेगा। तो फिलहाल सामान भी काफ़ी लोड है, तो अभी हम निकलेंगे, 2 घंटे मेरे को लगेंगे वहाँ पहुँचने में, तो उसके बाद ही हम यहाँ पर से मिलेंगे। तो तब तक के लिए हम चलते हैं, 2 घंटे लगेंगे रास्ते में, देखते हैं व्यू वगैरह, देखेंगे व्यू आगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी मैं 1 हफ्ते के लिए आ रखा हूँ, तो 1 हफ्ते के बाद हम साथ में जाएंगे यहाँ से, और साथ में जाएंगे तो मेरे ब्लॉग्स से भी कंटिन्यू रहेंगे, ठीक है। तो अभी तो यहाँ पे रोड काफ़ी अच्छी बनी है, ऊपर से रोड थोड़ी ख़राब है, ये मैं अभी जहाँ से आया हूँ ना रास्ते से पता नहीं है, बट ऊपर अभी काम वाम चल रहा है, आप देख रहे होंगे ट्रक वगैरह भी आ रहे हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ काम चल रहा है, तो रोड काफ़ी अच्छी कर दी यहाँ पे। और इस एरिया से आप देखोगे तो नीचे गांव भी है, और यहाँ से आपको मस्त व्यू दिखाई देगा, ठीक। तो ये मेरा, पता है आपको, मेरा ये एक्सपीरियंस जो था अभी का, इतना बढ़िया एक्सपीरियंस था, अकेला कहीं भी रुका, ठीक है। बट फॉग के चक्कर में मैं लेट हो गया, क्योंकि 40 से ऊपर स्पीड जा ही नहीं रही है, तो रिस्की भी है, और अकेलेपन का ड्राइव वो भी अलग एक्सपीरियंस है मेरा, फॉग के साथ भी एक्सपीरियंस कर लिया मैंने। तो अभी फ़िलहाल हम चलते हैं, तो आगे मिलते हैं आपको सीधा, ठीक है। चाय वाय पियेंगे थोड़ा, तो और अल्मोड़ा रुका था मैं, और उनको भी मैंने बोल दिया कि बताना मत कि मैं आया हुआ हूँ, ठीक है। तो मेरा भाई है, तो उनकी वाइफ के तो वहाँ पे रुके थे अल्मोड़ा में, उनके वहाँ पे ITBB में हैं उनके पापा, तो वहाँ रुके हुए थे, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। तो चलते हैं, अभी 2 घंटे मेरे को लगेंगे यहाँ से वहाँ पहुँचने में, तब तक जहाँ मैं रुकूँगा चाय पीऊँगा, तो आपको वहाँ से ब्लॉग कंटिन्यू करूँगा। तो गाइस, अभी हम फाइनली पहुँच चुका हूँ मैं अपने गाँव, तो अभी कुछ किलोमीटर ही है, 1-2 किलोमीटर, तो वहाँ पर अपना गाँव है, वो नीचा को दिखाई नहीं दे रहा होगा, वहाँ पर है ना, वहाँ मेरा गाँव है। तो जस्ट पहुँच गया हूँ मैं, और उनको पता नहीं है कि मैं पहुंचा नहीं पहुंचा, कहाँ 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 है, तो मैं फ़ोन उठा नहीं रहा उनका, तो लेट्स सी, देखते हैं। मेरा अपना गांव कहाँ गया, ये रहा। तो अभी यहाँ काम चल रहा है, पापा की यहाँ तो आवाज़ आ रही है, यहाँ से क्या पता हो रहे शायद, तो लेट्स सी, देखते हैं क्या रिएक्शन रहता है। चलो आगे बढ़िया, रास्ता बंद कर दिया क्या पूरा? अच्छा कहाँ था तू? कहाँ था तू? ये टफू अकेले अकेले घूम रहा था तू? हैं? मेरे को तू आवाज सुन ली होगी ना मेरी, आवाज सुन ली इसने, ये देखो ये देखो ये देखो आ गया हूँ मैं, हाँ हाँ चलो 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 चलो, मैंने कहा था ना
मैंने कहा था ना आऊंगा, आगे ना आगे बस बस हो गया हो गया। अरे इन चलते इन चाचा आजा चल आजा आजा आजा। कहाँ से आया तू? यहाँ से आया? चल फिर चल चल। हाँ मुझे गोद में आना है, अभी गोद में नहीं, अभी चलो 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 आ रहा हूँ। अरे फिर दोबारा चलो। अरे अरे हो गया, आ गया मैं, आ गया। चल 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 आ गया। मन्नी भरा इसका भी, फिर भरा। मेरा पुत्र मम्मी पहला है, पहला क्या ही जोरदार तू को देला, तू को देला है सुरती का की सुरती सुबह से मिली ना मुझसे तब से हैं मैं यहाँ से आया हूँ। अब देखा नहीं आपने? ये देखा आज हमारे सामने सेलिब्रिटी आ गई हैं। आपका नाम? सोनी रावत। हमारे सामने दो सेलिब्रिटी हैं। रेडी होने के बाद वो तो मैं कह रहा हूँ, आ जाओ आ जाओ। आप रेडी होंगे, आजकल रियल चाहिए, एकदम रियल। बैठो आओ दीदी। ये बहुत शैतान है, सुनता नहीं है। आपने बोल दिया वहीं रखा हुआ है पत्थर की लकीर। अरे अंदर गरम है, आप बैठो ना अंदर। हैं? हाँ दीदी, आप कैसा लगा? तो ये सेवन रहा है ना, अच्छा बन रहा है ना, है ना कंफर्टेबल है ना। ये बाथरूम हो गया, ये रूम है, दिखा दिया ना। मैं तो पता क्या सुन रहा था दीदी, जो ये है ना, ये वाला जो ये वाला एरिया है ना, इसको अथवा यहाँ से गेट बना के ना, इस एरिया में यहाँ से बाहर का भी वो बना देंगे स्विमिंग पूल का, दो तीन खेत का स्विमिंग पूल बना देंगे, तो यहाँ से इजी रहेगा ना। मैं उसको मना कर रहा हूँ, वो डिग्गी को नहीं, वो डिग्गी मेरी हाइट की है, मेरे को 7 फुट का चाहिए एक्चुअली, 7 फुट वो डिग्गी बस स्विमिंग पूल। हाँ तभी तो मज़ा आएगा जब लंबा होगा स्विमिंग पूल। ये तो कूदते ख़त्म हो जाता है ना, ये तो कूदते ख़त्म हो जाता है डिग्गी, है ना। नहीं यहाँ सोच रहा था, है ना आएंगे तक कूदंगा, है ना। अभी ये तो रातों रात काम किया आपने, देखिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। देखो ये है पहाड़ी, पहाड़ी उठती है उत्तराखंड की। शहर की लड़कियां प्रियंका देख ले तू भी। चल आ दीदी आओ, मैं नहाया नहीं वैसे, चलेगा ना, चलेगा ना। थक गए, यहाँ से मैं लेके जाऊंगा। ये तो मेरे एक हाथ का काम है ये, देखो ऐसे सुन लो सही, देखो ना ये ऐसे पकड़ना है और ऐसे लेके जाना है। अरे ऐसे लेके जाना, मैं पकड़ रहा हूँ। अभी अभी ये देख, अभी इधर गई। हाँ सब लकड़ियाँ तो सोना को दे दी, आप क्या लेके आ रहे हो एक ही लकड़ी? क्या कह रहे हो, मैं लकड़ी काटी थी पहले, दे दी पहले, ऊपर चलते आराम से, चलो चलो।
बस दीदी सब बढ़िया। हाँ मैं तो पहली बार आया हूँ दीदी अकेला, पहली बार। कल डिग्गी में नहा के जाएंगे, कल भरेगा ना, आज सूखेगा कल भर देगी पानी इसमें। अरे सुबह रात तक तो सूख जाता है, लेंटर सूख गया पूरा रात रात। वो सबको दीदी को दे रखा है। काटा उन्होंने सब डाल दिया इनके। अभी नीचे दी आ बैठ जाओ, चाय बना। हाँ हाँ चाय बना लो। मजाक लग रहा है।